सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ अपना हाल चाल जो है कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। मैं मेरे को क्या ही पता होगा कि आप कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई ठीक है ठीक है। तो हमें थोड़ा मतलब अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं, है ना, बातें करते हैं यार। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, अपने हाल चाल बता दिया करो। सो दोस्तों, आज मैं फिर से जा रहा हूँ ITI, और इस व्लॉग में यही शूट करूँगा कि पहाड़ी स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। तो अपनी सुबह होती है 6:30 बजे, अच्छा सुबह है ना, अलार्म लगाया होता है तो 6:30 बजे तो उठना ही पड़ता है। कैसे उठने की मन तो नहीं होता, लेकिन उठना ही पड़ता 6:30 बजे, क्योंकि तैयार व्यार होना ITI के लिए। अच्छा, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह के बाद फिर तैयारी होती है ITI की। अभी टाइम हो रहा करीब 7:40, तो 7:40 तक मैं ऑलमोस्ट तैयार हो जाता हूँ, खाना वाना खा के निकल जाता हूँ ITI के लिए। तो अब बस जा रहा हूँ वहाँ से, घर से पीछे ही घर मेरे इधर, तो अभी जा रहा हूँ अपनी अपने बस स्टॉप की तरफ, सड़क की तरफ, जो कि अगर आपको दिख रही है तो वो देखो, नीचे सड़क दिख रही है हल्की सी, है ना, ये देखो पतली पतली सी। तो ये आगे चल के नीचे आया सड़क, यहाँ पे स्टॉप, तो वहाँ पर मेरे को पहुँचना पड़ता है। करीब लग जाते 10 से 15 मिनट वहाँ पहुँचने में, और 8 बजे आती है बस वहाँ पर। एंड थोड़ा मैं निर्धारित समय से थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि व्लॉग भी करना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना चलने चलने में। बाकी आज के इस व्लॉग में मैं शूट करूंगा पब्लिक के बीच में जाके, मतलब कोशिश करूंगा पब्लिक के बीच में शूट करने की, क्योंकि अपना जो एक पब्लिक फियर है ना लोगों के बीच में शूट करने का, तो वो ख़त्म हो जाए मेरे पास। तो यही मैंने आज आके शूट करना है, तो देखते हैं कर पाता हूँ या नहीं। वैसे कर पाऊँगा यार, कर लूँगा मैं, कोई बात नहीं। बस दोस्तों, मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई यार, एक मैंने फ़ोन ले लिया नया। तो मेरे को होना चाहिए कि अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि यार अब तो हमारी कुछ वैल्यू बन गई, यू नो, लेकिन मेरे में वैसे है ही नहीं कुछ यार आ रहा है। तो बाकी नज़ारे देख लो सुबह की गाइस, कुछ इस तरह के हैं। वैसे गाइस अभी गाइस आप देख सकते हो कि अभी हमने ये जैकेट वैकेट अभी भी पहन के रखी है। ये उतर जानी थी मार्च के महीने में, ये उतर जाती है, मतलब शर्ट वर्ट पहने स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पहाड़ों में। बाकी यहाँ पे टेम्पल तो जय हो, रोज़ यहाँ पे प्रणाम करता हूँ मैं। तो मैं कह रहा था कि मार्च महीने तक हमारी जो है जैकेट वैकेट स्वेटर वगैरह उतर जाती है, मतलब गर्मी आना शुरू करती है। लेकिन आप ऊपर देख सकते हो मौसम अभी भी ख़राब चल रहा है, तो ये थोड़ा टेम्परेचर को डाउन कर देता, तो फिर से हमें यही फिर पहनना पड़ता है, थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। बाकी आप कमेंट करके बता दो कि क्या आपने स्वेटर पहनना छोड़ दी, मतलब आपके एरिया में गर्मी आ गई या नहीं। सो कमेंट जरूर करना। तो चलो आपको सीधे मिलते हैं अब बस स्टॉप पर जाके। फाइनली बस भी दिख गई है पार, रोड से वहाँ से आ रही है, और मेरे बस पहुँचने ही वाला ऑलमोस्ट, जब बस पहुँचेगी उससे करीब 1.5 मिनट मैं पहले ही पहुँच जाऊँगा बस से पहले ही। सो फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे बस सड़क में, बस स्टॉप तो क्या ही बोले, और वहाँ पे देखो बाकी सारी सवारियाँ भी इंतज़ार कर ही रही हैं। तो ये है हमारी HRTC की बस। सो फाइनली विंडो सीट अपने आप को यहाँ पे मिलती है, बैठते हैं करते बार के व्यू एंजॉय यहाँ पे। सो गाइस बस से कुछ ऐसे व्यूज दिखते हैं यहाँ पे विंडो सीट से, और आगे तक ये फुल ऑफ रोड है, करीब 1.5 किलोमीटर तक रोड ख़राब है। तो इस तरह से कैमरा शेक हो रहा है, एंड साउंड पीछे सुन सकते हो किस तरह से आई है। बाकी यार रोज का ही आदत ही पड़ गई अब तो। बाकी अब यहाँ पे बस रुक गई, सवारी वगैरह चढ़ेगी यहाँ से। दोस्तों इस तरह से पहाड़ में देखो, निचली तरफ खाई है, पिछली तरफ पहाड़ है। अगर ड्राइवर की जरा से भी गलती हुई तो मतलब समझ सकते आपको दी। बाकी अपने को तो रोज़ की याद पड़ गई इस तरह से, अगर कोई नया बंदा यहाँ पे विजिट करने आता है ना, तो उसके तो डर डर के प्राण ही निकल जाएंगे। ये अभी हम पहुंचे बालू के नए ब्रिज के ऊपर।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी, और एक घंटे के सफर के बाद अभी हम पहुँचे बालू में, और अभी हम जा रहे हैं इसके दूसरी तरफ, और वहाँ से पड़ेगी एक और बस, फिर जाएंगे हम आईडिया की तरफ। हम यानी कि हमारे साथ दो मित्र हमारे और हैं, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बालू का पुराना पुल। गाइस यहाँ पे मिली है एक प्यारा सा डॉगी, और एक रोड के सामने है, यहाँ पे आ जाएगा रोड में, गाड़ी वाड़ी के नीचे आ जाएगा यार। अभी इस टाइम घर में जा रहा था ना मैं, तो इसको ले जाना था मैं उठा के। बाकी सब लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं बस का वेट, और ये इस तरफ जाएगी हमारे आगे तरफ, और यहाँ से आएगी बस, फाइनली आ गई हमारी बस। तो गाइस बस में हमारी यहाँ पे जगह नहीं, देखो किस तरह से सवारी ठूस ठूस के भर रही है, और टाइम थोड़ा है तो हम पैदल ही चल रहे हैं हम तीन लोग। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके खुले से रास्ते में, और यहाँ पे ट्रैफिक वैक थोड़ा कम है, तो अपने दोस्तों से आपको मिलाते हैं। तो इनका नाम है पीयूष भाई, और ये है टर्नर ट्रेड से, और आगे चल रहे हैं हमारे वरुण भाई, जिनको एक दो पहले में भी मैंने आपको मिलाया था, शायद नाम नहीं बताया था। तो इनका नाम है वरुण भाई, तो इनका ट्रेड है फिटर का। और गाइस वहाँ देखिए जिस बस में हम नहीं, वो बस ही ख़राब हो गई, देख सकते हो इस बस में हम नहीं चढ़े ना, तो ये बस ही ख़राब हो गई आगे चल के, पता नहीं क्या हुआ है, रुकी है वही बस है कोई और बस है, पास चल के देखते हैं क्या हुआ उसको बस को। तो गाइस जो बस हमने छोड़ी थी ये बस हो रही है कोई, मतलब ये बस हो नहीं है, हो रही है कोई। तो गाइस ये रही हमारी आई टी यहाँ पे, और अभी 10 मिनट और लगेंगे यार, क्योंकि घूम घाम बढ़ जाता इसका, जाके पहुँचेंगे हम। सो फाइनली दोस्तों हम आई टी आई गेट के सामने पहुँच गए, और मैं फ़ोन को यहीं पे ऑफ करूँगा क्योंकि आई टी आई में अलाउ नहीं है हमारा फ़ोन। तो आपको मिलता है मैं रिसेस टाइम या फिर छुट्टी टाइम, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी हमारा हो चुका है यहाँ पर रिसेस टाइम, और यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं वॉलीबॉल का। तो अभी हम पहुँचे हैं, छुट्टी हो गई हमारी, तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे पुखरी, इस प्लेस का नाम है पुखरी में। तो यहाँ पे हमारी बस का ब्रेक होता है 15-20 मिनट के लिए, तो बस में हमें मिले हमारे स्कूल के प्रिय मित्र सन्नी जी, और बाकी का सफ़र हमने इनके साथ तय किया बातें करते हुए। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट अपने घर के पास ही, करीब 5-10 मिनट में पहुँच ही जाऊँगा घर में। और आपको बता देते हैं कि छुट्टी और रिसेस टाइम में कोई थोड़ा टाइम नहीं मिलता कि मैं व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि खाना खाने का आधा घंटे का टाइम होता है, थोड़ा बहुत ऐसे घूम घामने, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ ही घूमने घामने चले जाएंगे। और छुट्टी होती है, जैसे ही छुट्टी होती है वैसे हमें भागना पड़ता है आईटीआई से पार बस तक, क्योंकि बस ज़रा एक मिनट की भी देरी हो गई तो छूट सकती है, तो ब्लॉग बनाना इसमें नहीं लग रहा, तो ऐसे में क्या ही फिर ब्लॉग बनाए। बाकी अभी चढ़ाई लग रही है घर को, तो देख सकते हो सांस फूली है मेरी, बाकी पीछे को कितने मस्त नज़ारे दिख रहे पहाड़ों के। बाकी गाइस सुबह एक घंटे का सफ़र होता हमारा यहाँ से बालू तक का बस का, और वहाँ से भी 5-10 मिनट और बस के आगे सफ़र, लेकिन आज हम पैदल ही गए थे, पैदल भी पहुँच गए थे, 10 मिनट लेट हो गए थे लेकिन चलते थे ना, तो बाकी यही है। और लौटते टाइम भी गाइस यही करीब लगे थे हमारे बस को, 1.5 से 2 घंटे लग जाते होंगे, 1.5 घंटे लग जाते, क्योंकि आते टाइम चढ़ाई है ना बस को, तो थोड़ा 15-20 मिनट रुकती भी है एक जगह, जिसका नाम पुखरी है, वहाँ पे तो 15-20 मिनट का वहाँ पे ब्रेक होता है, इस तरह का 15-20 मिनट का वहाँ पे पुखरी में ब्रेक होता है ना, तो ऐसा फीलिंग आती है कि हम बहुत लॉन्ग रूट है हमारी बस का, बहुत लॉन्ग रूट है, हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत लॉन्ग रूट वाली बस है हमारी, वैसी फीलिंग आती है कि हमें बहुत दूर जाना भी। तो ठीक है, मतलब 15-20 मिनट वहाँ पे पानी वानी पी लेता हूँ, थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन भी होती बस में। तो यही था आज का व्लॉग, तो व्लॉग को एंड करते ही खूबसूरत नज़ारों के साथ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आप कमेंट में करके, दोस्तों पहले सांस लेता हूँ, और दोस्तों आप कमेंट करके ये बता देना कि इसी तरह के रोज़ व्लॉग आपको, तो इसी तरह के व्लॉग आपको रोज़ चाहिए या नहीं, मतलब देखो अगर मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ ना, तो रोज़ की मेरी लाइफ यही रहेगी, घर से बस से आईटी चढ़ाई, ये सब देखने को मिलेगा। अगर आपको यही चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई कंटिन्यू करो, रोज़ बनाओ, तो इसलिए यही कारण है कि मैं रोज़ व्लॉग नहीं बना पाता, क्योंकि नया फ़ोन आने के बाद कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, तो भाई बोल रहे हैं कि अब तो नया फ़ोन अब क्यों नहीं बनाता, तो यही रीज़न है कि यार सेम लाइफ दिखा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। बाकी ठीक है गाइस, चैनल कर देना सब्सक्राइब नहीं किया तो, वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट भी कर दो जो भी मैंने कहा है। बाकी चलो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अब 3 छुट्टियाँ आ रही है कल परसों चौथ, तो 3 दिन देखते हैं क्या हम कर पाते घर के व्लॉग में।